Beyblade Burst versus Beyblade Metal. Well, इन दोनों सीरीज की बात करें जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन यार इन दोनों में बेस्ट सीरीज कौन सी? यानी कि अगर कोई पूछे कि यार इन दोनों में बेस्ट सीरीज कौन है तो क्या जवाब दोगे? वेल, सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं इस चीज पर, लेकिन यार आज मैं बात करने वाला हूँ एनालिटिकल फैक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो कि हम लोग को रियलिटी में देखने को मिलते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें शॉक भी हो जाएंगे। वेल, बात करूँ मेटल सीरीज को तो हम सबको पता है कि यार वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है एंड उसके टॉयज भी बहुत सारे बिके थे, लेकिन यार शोगन स्टील की बात कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसका डाउनग्रेड हुआ था। एंड वहीं दूसरी तरफ बर्स्ट की बात करते हैं, जब बर्स्ट आया था तो उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम लोग ने देखा कि यार उसके 6 सीजन भी निकल गए थे। लेकिन मेटल की बात करते हैं, उसका 4th सीजन आने के बाद वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया था एंड उसके बाद मेटल की कभी बात हुई भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि यार फैंस ज्यादा प्यार तो करते हैं मेटल सीरीज को, बट स्टिल बच्चों के बीच में जो ज्यादा सीरीज पॉपुलर हुई थी वो थी बर्स्ट सीरीज। मेरे मजा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को।